नमस्कार दोस्तों, हेल्थ प्लेजर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप सभी को आर्मी के डाइट प्लान के बारे में बताऊंगा। अगर कोई आर्मी के तैयारी कर रहा है तो उसे अपनी डाइट में क्या क्या खाना चाहिए। दोस्तों आर्मी को ज्वाइन करने के लिए सबसे मुश्किल वक्त होता है 1600 मीटर रनिंग को पास करना, जिसके लिए लड़के दिन रात मेहनत करते हैं और सुबह 4 बजे ही उठकर रनिंग के लिए जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि वह अपनी डाइट में क्या खाएं। इसलिए आज स्पेशल उनके लिए ऐसा डाइट प्लान लेकर आए हैं जिसे वह अपना कर स्टेमिना और स्पीड को आराम से बढ़ा सकेंगे। तो चलिए दोस्तों डाइट प्लान शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें या न करें, चैनल को सब्सक्राइब करें या न करें, लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। दोस्तों अगर आप सुबह रनिंग करते हैं और आपको सांस फूलने की समस्या होती है और पेट के बगल में दर्द होता है, तो आप उसके लिए शाम को एक मुट्ठी चना और एक मुट्ठी मूंग को किसी बर्तन में भिगोकर रख दें। अगले दिन रनिंग के बाद उसका सेवन करें, इससे आपकी सांस फूलने की समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों आपको ऐसी चीज़ों का सेवन करना है जिसमें प्रोटीन पाया जाता हो, ताकि आपके शरीर की कमजोरी दूर हो जाए। और दोस्तों हो सके तो चने को अंकुरित ही करके खाएं, क्योंकि अंकुरित चने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। दोस्तों ऐसे खानों को इग्नोर करें जिसमें तेल मसालों की क्वांटिटी अधिक हो, क्योंकि यह हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। दोस्तों आपको सिंपल और साधारण खाना खाना है जिसमें दही और दाल चावल सलाद हो। कोशिश करें कि हरी और ताज़ी सब्जियों का सेवन करें। और दोस्तों आपको खाना खाने के बाद 2-3 घंटे की नींद लेनी है, जिससे कि आपकी शरीर का थकान दूर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों दोपहर में संतरा या किसी भी फल का जूस पी लें, ताकि आपके शरीर में एनर्जी बनी रहे। दोस्तों अगर आपका वजन कम है तो उसके लिए आप केले का जूस बनाकर पिएं, ताकि आपके शरीर में वजन के साथ साथ एनर्जी भी बनी रहे। अगर आप शाम को भी रनिंग करने ग्राउंड जाते हैं तो रनिंग के बाद अंडे का सेवन कर सकते हैं, जिससे आपको प्रोटीन मिले। अगर आप अंडे नहीं खाते हैं तो पनीर का भी सेवन कर सकते हैं, जिससे आपके शरीर को ताकत मिल सके। और याद रखें दोस्तों कि शाम का खाना हल्का होना चाहिए, जिससे दूसरे दिन सुबह रनिंग करते समय आपका पेट भारी न रहे। और रात को सोने से पहले हल्दी वाले दूध का सेवन करें, जिससे कि आपका हाथ पैर दर्द नहीं करेगा। दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही हेल्थफुल वीडियो आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।